बेटा इस वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस 10 सी देखेंगे। इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। ठीक है, और उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3। तो जब हम दो साइड्स का सम करते हैं तो वो तीसरी, ठीक है, हमेशा तीसरी वाली साइड से बड़ा होता है। ठीक है, इफ यदि 3 साइड है उसमें से हम जब 2 का सम करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन होगा 3rd वाली साइड के। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपका यूज़ होगा सेल्फ प्रैक्टिस 10C में। अब क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द वेदर द ट्राइंगल कैन हैव साइड्स विद द गिवन लेंथ। 3 साइड्स है, 4, 6, 8। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दो स्टार्टिंग की 2 को ऐड करो पहले, 4 प्लस 6 किया, देखिए 10 हो रहा है। ठीक है, जो कि ग्रेटर है 3rd वाली साइड, 8। ठीक है, फिर यदि ये दोनों साइड्स हम लेते हैं 6 और 8, इनको करेंगे 14, तो वो भी बड़ा है 4 से। ऐसे ही 8 को करेंगे तो 4 और 6 को करेंगे तो 8 और 4 करेंगे तो 12, जो कि बड़ा है 6 से। तो हम बोल देंगे कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि 2 नंबर्स आर ग्रेटर देन द 3rd नंबर, सो कैन द रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे बी वाले में देखिए 3 साइड है, तो आपने 2 को ऐड किया, तो 2 को ऐड किया तो कितना आ रहा है, 12.5, जो कि छोटा हो गया 3rd वाली साइड से। तो ये जो है वो ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर रही है, कैन नॉट बी द मेजर ऑफ ट्राइंगल। आपको ऐसे प्लस कर लेना है। ऐसे 3rd वाले में देखिए 7.2 प्लस 8 किया तो 15.2, जो कि 3rd वाली से बड़ा है। ठीक है, 10 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर 7.2 को 10 को ऐड करेंगे तो 17.2, जो कि 8 से बड़ा है। तीसरा बची कौन, 8 और 10, इनको भी ऐड करेंगे 18, जो कि 7.2 से बड़ा है। तो हम बोल देंगे कि क्या है, ये जो है वो ट्राइंगल जो है उसको फॉर्म कर रही है, पॉसिबल है इससे। ऐसे ही सारे आप समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए 9 और 14 को ऐड कर रहे हैं तो 23 इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकती है, ये नॉट पॉसिबल, उसको ट्राइंगल को पॉसिबल नहीं, सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए हमको। यहाँ देखिए, यहाँ पे बड़ा आ गया तो ये पॉसिबल है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी एक बड़ा आया लेकिन दूसरा छोटा आ गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मेजर इज नॉट पॉसिबल। तो समझ में आया ये क्या करना है इसमें। ऐसे जी वाले में देखिए ट्रीन है, तीनों को हमने किया पहले, 2 को लिया, 3x है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 5। तो पहले 3x, तो मतलब 3 × 5 15 हो गया। दूसरी साइड आएगी 2x+1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 × 2 = 10+1 = 11। और तीसरे या x स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। अब हमारी तीनों साइड क्या है, 15, 11 और 25। अब दोनों को ऐड कीजिए स्टार्टिंग की 2 को, तो 26 आ रहा है, जो कि बड़ा है 25 से। यदि 11 और 25 को ऐड करते हैं तो 36 है, जो कि बड़ा है 15 से। या 15 और 25 को ऐड करते हैं तो 40 है, जो कि बड़ा है 11 से। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो सारी बड़ी है 3rd वाली से, तो इसमें हम ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए इज एनी पॉइंट विद इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर में एक ए जो है वो कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसकी साइड्स है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देन प्रूव दैट ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर, ये जो ए से गई हैं तीनों साइड्स, वो ग्रेटर देन होंगी 11 सेंटीमीटर के। तो हमने बोला सबसे पहले सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द 3 साइड्स। हम जानते हैं कि कोई भी 2 साइड्स जो है वो ग्रेटर देन होती है तीसरी वाली साइड के। तो यदि हम ए पी, ठीक है, ए पी और ए क्यू को प्लस कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन होगी 5 के, ये वाली के। ठीक है, ऐसे यदि हम ए पी और ए आर को प्लस कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन होगी 7 के। और तीसरी यदि हम ए क्यू और ए आर को प्लस कर रहे हैं तो वो कितने ग्रेटर देन होगी, 10 के। ठीक है, तो ये तीनों हमने लिखा। अब हमने बोला कि यदि हम इनको ऐड करें तीनों को, तो ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए पी प्लस ए आर प्लस ए क्यू प्लस ए आर, ये लेफ्ट में, और ग्रेटर देन है 5 + 7 + 10 राइट में। दोनों में देखिए 2 AP हैं, वो जाएंगे AP AP, 2 AP, 2 AQ AQ हो जाएंगे तो 2 AQ, और AR AR 2 हो जाएंगे तो 2 2 लग गया। 2 को कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा, AP प्लस AR प्लस AQ ग्रेटर देन, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और 7 17 17 प्लस 5 22। ठीक है, अब इस 2 को वहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 22 / 2 किया तो
टू वन जे टू 11 आ गया, तो ए पी प्लस ए आर प्लस ए क्यू ग्रेटर देन 11 सेंटीमीटर की, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। सेल्फ प्रैक्टिस 10C में आपके इतने ही क्वेश्चन थे, 1 और 2। ओके, सो आपको इतना नोट डाउन कर लेना है कॉपी में समझ कर, और जहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।